हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर. और दिस इज राम योर फ्रेंड. और यहाँ पे हम करने वाले हैं आपकी सुजुकी की वी स्ट्रॉम 250 का ओनरशिप रिव्यू. और जिन लोगों को ऑफ रोडिंग का शौक है, टूरिंग का शौक है, जिनको ऐसी बाइक चाहिए ना जो हल्की हो, ऊंची हो, सस्पेंशन अच्छी क्वालिटी की हो उसके, और माइलेज भी अच्छा दे रही हो ताकि आपको घूमने में ज़्यादा मतलब जेब के ऊपर इतना कोई लोड ना आए, तो उनके लिए बाइक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है. तो काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि भाई ओनरशिप रिव्यू एक लाओ इसका, कि एक्चुअल यूज़ करने में बाइक कैसी है, क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, और बाकी सारी चीज़ें कितना एक्सपेंस आ रहा है. तो उसके लिए इस बाइक को मैं लेके आया हूँ. और यहाँ पे साथ में मेरे पीछे खड़े हुए हैं मिस्टर कुंदन. तो ये हैं आपके इस खूबसूरत बाइक के ओनर. और आप देख लो कितनी सेक्सी बाइक दिख रही है ये. तो भाई पहले तो आप ये बताइए कि यही बाइक क्यों ली आपने? इससे पहले आप इंटरसेप्टर चलाते थे, मुझे याद है, 650cc इंटरसेप्टर. मतलब काफ़ी लोग सोचेंगे ना 650cc की पैरेलल ट्विन बाइक थी, पावरफुल बाइक थी. उसके बाद इन्होंने चूज़ की यहाँ पे एक V-Strom SX 250. तो जाहिर सी बात है कोई बात तो होगी. तो पहले तो बताइए कि आपने ये बाइक क्यों ली? भाई देखिए, 60,000 किलोमीटर मैंने इंटरसेप्टर चलाई और टूर बहुत किए लंबे लंबे. इंटरसेप्टर से मैं स्पीति गया, इंटरसेप्टर से मैं मनांग गया जहाँ पर मेरी गाड़ी ख़राब भी हुई थी. ऐसी ऑफ रोड जहाँ पे लोग KTM वगैरह एडवेंचर जैसी बाइक ले जाते हैं, मैं वहाँ इंटरसेप्टर लेके चला गया. तो मेरा जो डिसीज़न हुआ इसको चूज़ करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये हुआ कि भाई मुझे करनी है लंबी लंबी ट्रिप, वो भी कम पैसों में. क्योंकि इंटरसेप्टर का आपको पता है माइलेज मिलता है 21 से लेके 24, कभी कभी आप कम स्पीड में चलाते हो तो 27 में मिल जाता है. तो भाई मेरा सबसे पहला रीज़न तो यही था कि किफ़ायती बाइक होनी चाहिए, लो मेंटेनेंस होना चाहिए, माइलेज अच्छा होना चाहिए, और जिसका दाम भी ऑन रोड अच्छा होना चाहिए. तो इसलिए मैंने इस गाड़ी को चूज़ किया. अच्छा, और भी ऑप्शंस थे लाइक 250cc में आपके पास ड्यूक की KTM की एडवेंचर 250 थी, ठीक है, एक्सपल्स 200 भी एक अच्छा ऑप्शन है जिनको टूरिंग पसंद है, ये आपने खरीदी रखी है. तो मतलब उनको क्यों नहीं चूज़ किया, इसी बाइक को क्यों सेलेक्ट किया? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है अगर 250 की बात करते हैं, क्योंकि 250 कैटेगरी में सबसे पहले बात तो आपके पास कोई भी एडवेंचर बाइक नहीं है दो गाड़ियों को छोड़ करके. सबसे पहली एक V-Strom है, दूसरी आपकी मिलती है KTM की एडवेंचर. 250cc की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज 400cc में आपको एडवेंचर बाइक्स मिलेंगी. अब बात करते हैं मैंने एडवेंचर 250 क्यों नहीं ली KTM की. भाई सबसे पहली बात तो वो बहुत महंगी है. मैंने आपको बोला ना, बजट भी मैंने देखा, ये मुझे 2,28,000 की ऑन रोड मिल गई. अगर मैं KTM में जाता तो KTM का जो प्राइस था वो अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है 2,50,000 अबव, मतलब 270 तक जाता है. दूसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट का महंगा होने वाला है. क्यों? क्योंकि भाई वो है लिक्विड कूल इंजन. लिक्विड का भी आपको वहाँ पे पैसा 500 रुपये तो अलग से लग ही जाते हैं. तो मतलब आप मान के चलो 500 से 700 रुपये और ज़्यादा हो जाता है. दूसरी बात यार, देखो KTM मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है. जापनीज़ गाड़ी का जो इसका इंजन है ना भाई, भले ये ऑयल कूल्ड हो लेकिन ये भाई अवार्ड विनिंग इंजन है, सदियों से चला आ रहा है. और इस इंजन की तो क्या कहने, सुजुकी वैसे भी 24 आवर वाली रेस जो होता है, लमांस क्या कुछ बोलते हैं मुझे याद नहीं है, उसके लिए माना जाता है. तो भाई इसका इंजन एक नंबर है, माइलेज अच्छा दे देती है. अगर मैं KTM की बात करूँ, KTM से अच्छा माइलेज इसमें आपको देखने को मिल जाता है. आपको माइलेज इसमें 40 तक का भी मिला है. मुझे, मैं मुक्तिनाथ गया था इससे, वो ऑफ रोड था पूरा. भाई आपने सुना ही होगा मुक्तिनाथ के बारे में, मुस्तांग नेपाल. तो भाई वहाँ पे मुझे इसने 39 से 40 का एवरेज दिया है. तो भाई अब आप खुद बताइए, मैं ये लेता कि मैं एडवेंचर लेता? अभी तक कितना रन करा दिया इस बाइक को आपने? ये गाड़ी अभी तक चल चुकी होगी, अगर मैं बात करूँ तो शायद 25 या 24 होगा, मैंने अभी देखा नहीं है. $23,533. और ये मेरे को लिए लगभग, मैंने इसको लिया था 2023 में. हाँ, 23 अप्रैल में, मतलब एक साल हो चुके हैं. कितनी सर्विस करा चुके हैं अभी तक ऑलमोस्ट? इसकी सर्विस हो चुकी है पहली, दूसरी, तीसरी, चार सर्विसेज हो चुकी हैं इसकी. चार मतलब हो गए हैं, अब पांचवी होनी है. इंटरवल कितना है सर्विस? इंटरवल इसका वैसे 4,000 to 5,000 है. वैसे कंपनी 5,000 बोलती है, बट 4,500 तक मैं करवा देता हूँ. 4,500 यानी कि आपको सर्विस कॉस्ट जो आती है 5,000 रुपए के आसपास, मतलब 5,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी है. हाँ, 5,000 किलोमीटर. कितने पैसे खर्च? मैं बोलने जा रहा था इसका जो प्राइस, जो फ्री सर्विस थी उसमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता था 1,300 रुपए. पेड सर्विस में मेरा गया है 1,700 रुपए. 1,700 रुपए 7,100
जो ऑयल आता है उसको डलवाने पे। तो मतलब 1700 रुपये में आपकी इसकी पेड सर्विस हो गई। सही है। और एक क्वेश्चन और था मुझे कि 23,000 किलोमीटर चला चुके हैं तो अभी तक क्या मेजर पार्ट्स क्या क्या चेंज हुए हैं इसमें? मेजर पार्ट्स में अगर मैं बात करूँ, इसका स्प्रॉकेट चेंज हुआ है, वो भी आगे वाला, और चेंज हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने रफ चला दिया था और मैंने क्लीन वगैरह नहीं किया था। अगर क्लीन करता तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा चल जाता, क्योंकि अभी भी पीछे वाला जो है स्प्रॉकेट वो चेंज नहीं हुआ है। और सुजुकी की सबसे अच्छी बात है, यहाँ सेट में नहीं आती चीज़ें, यहाँ सब आपको अलग अलग मिलेगा। मतलब आगे का स्प्रॉकेट अलग मिला है, चेन मुझे अलग मिला है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ अगर और बाइक में आप जाएंगे ना, आपको पूरा सेट लेना पड़ता है। अगर आपका पीछे वाला ख़राब नहीं होगा ना, फिर भी आपको सेट लेना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। मेरे इंटरसेप्टर का जैसे स्पॉकेट चेंज हो गया था, मैंने उनसे बोला था मेरा पीछे वाला स्पॉकेट घिस गया है, तो उन्होंने बोला पूरा सेट आता है, तो उसमें उन्होंने फ्रंट स्पॉकेट, पीछे का स्पॉकेट और चैन पूरा सेट लेके, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। ज़्यादा NS में, बजाज में भी सेम सिस्टम है, और यहाँ पर मुझे लगता है अगर आप बारी बारी चेंज करा सकते हो तो पीछे का स्पॉकेट तो सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ता है। कितने का था आपका पीछे वाला? तो मैंने नहीं चेंज कराया, मैंने आगे और चेंज कराई थी। अप्रॉक्सीमेटली 1500 कुछ आया था शायद, 1500 रुपए आगे का स्पॉकेट और चेन, चेन दोनों को मिला। मतलब देखिए आपको, मतलब जो खराब है उसी के पैसे देने, ये नहीं कि खराब कुछ हुआ पैसे किसी और चीज का ले रहा है, तो ये चीज बहुत अच्छा है। कितने लीटर का पेट्रोल टैंक है इसमें? इसका 12 लीटर का पेट्रोल टैंक है, जो कि इनफ है। मतलब माइलेज अच्छा है ना, इसलिए भी आगे इसको चलाओगे ना तो आपको 35 का माइलेज देती है ये। 35 माइलेज काफी अच्छा है। सिटी में मुझे 34 इस समय दे रही है, एंड हाईवे में 39-40 चला जाता है। तो मुझे जो रेंज मिलती है एक टैंक में, 450 के अराउंड में भरा देता हूँ तेल। बाकी स्प्लिट सीट देखने को मिल रही है यहाँ पे, और काफ़ी लंबा टूर किया अभी तक। एक रन में कितना गए हो आप? एक रन में यार ऐसा तो मैं गया था जांस्कार। ओके। लगभग पूरा आना जाना हमारा 3000 किलोमीटर कुछ हुआ था, क्योंकि हम लोग जांस्कार गए फिर कश्मीर से घूमते हुए वापस लखनऊ। तो कैसा था कंफर्ट, कैसा है इसकी सीट का? यार कंफर्ट बहुत अच्छा है, इवन पिलियन के साथ बहुत अच्छा कंफर्ट है। पिलियन के साथ में भी गया हूँ, जांस्कार तो सिंगल गया था। और बस थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि इसका जो शॉकर है ना, उसका ट्रैवल ज़्यादा नहीं है। सस्पेंशन का एडवेंचर बाइक है, बड़ी बाइक है, आपको लगेगा इसका सस्पेंशन का ट्रैवल ज़्यादा होगा, लेकिन सस्पेंशन ट्रैवल इसका 130 mm का ही है। 130 देखा जाए तो काफ़ी कम है। काफ़ी कम है, लेकिन इन लोग की जो चेसी ऐसी बनी है ना कि आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता जब तक आप एकदम हैवी ऑफ रोड नहीं करते हो। नॉर्मल पॉट होल्स जो आते हैं, नॉर्मल होल्स आते हैं, गड्ढे वगैरह होते हैं जो, वो आप इजीली कवर कर लोगे और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। और बाकी एक्सेसरीज इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ लगी हुई हैं, तो ये क्या मतलब? जैसे ये आपका ये पीछे लगा रखा है, मैंने साइडल से लगाया हुआ है यहाँ पे मोटोटॉक के। ठीक है, यहाँ पे मोटोटॉक के इसके क्रैश गार्ड भी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। एंड यहाँ पे हैंडल भी मैंने आफ्टर मार्केट मोटोटॉक के हैंडल लगाए हैं, जिसकी वजह से मुझे जो झटके हैं वो थोड़े कम मिलते हैं। यहाँ पे एक तरीके से बम अब्सॉर्ब करता है। तो जो स्टॉक हैंडल बार था वो आपने हटा दिया है, और यहाँ पे ये दूसरा मोटोटॉक का लगा रखा है, तो इसका क्या रीज़न था? पहली बात तो ये जो आप देख रहे हो रॉड साथ में है, इसकी वजह से थोड़ा वाइब्रेशन कम हो जाता है। एंड जो आपको सपोर्ट मिलता है, मतलब आप जैसे ऑफ रोड वगैरह करते हो ना, तो आपको जो झटके होते हैं ना वो उतने ज़्यादा अब्सॉर्ब कर लेता है, आप उतने ज़्यादा नहीं फील होते। तो जो स्टॉक हैंडल बार था उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा अपसाइड भी हो गया है, वो थोड़ा सा नीचे था, ये थोड़ा सा ऊँचा कर दिया इसने मेरा जो पोजीशन है, और थोड़ा अपराइट हो गया है। एक बार आप बैठ के दिखाओगे? आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'8". तो ये 5'8" हाइट है कुंदन भाई की, और ये देखो ये बाइक पे बैठे हैं, और एडवेंचर बाइक है, और नीचे से देखो आप दोनों पैर जो हैं उनके पंजे छू रहे हैं, बट स्टिल मैनेजरेबल है। और मुझे लगता है अगर कोई बंदा पीछे थोड़ा वेट वोट बैठ गया तो और थोड़ा दब जाएगा, थोड़ी सी और हो जाती है और नीचे चली जाती है। स्टिल 5'8" के लिए अच्छी है मेरे ख्याल से। 5'8" है, 5'7" तक भी आदमी 5'6" तक भी चला लेगा, क्योंकि गाड़ी हल्की है, ज़्यादा भारी नहीं है। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, 165 या 167 kg है। बाकी फ्रंट में मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे ये लगवा रखी है लाइट्स एक्स्ट्रा में। ये मैंने HJG के लाइट्स लगवाई हुई है, ये एक्सोलरी लाइट्स हैं। हाँ। और बाकी फ्रंट जो आपका ये पूरा LED है। हाँ, ये पूरा LED। तो ये एक्सोलरी लाइट लगाने का कोई रीज़न, मतलब जो रीज़न ये कि इसकी जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं रोड में, तो आपको ज़रूरी पड़ते ही हैं, क्योंकि ज़्यादा अंधेरे में ये काम नहीं आते हैं। ओके। मतलब अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो और बिल्कुल घनघोर अंधेरा है तो दिक्कत आएगी, बिल्कुल काम नहीं आते। सामने से जब कोई गाड़ी आती है तो आप एकदम से अंधे हो जाओगे। एक बार जला के दिखाओगे आप इसे? देख लो आप, ये वीडियो में तो ज़्यादा दिखेगी, लेकिन जो रियल टाइम इसका एक्सपीरियंस है उसमें आपको ये ज़्यादा नहीं दिखने वाली। ओके। और ये एक्सोलरी लाइट इनको जला पाएंगे अभी? इसको हाँ जल जाएगी, ये देखिए कुछ लाइट काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लाइट होती है इससे।
देख लो आप फ्रंट में कैसा आ रहा है, दिन में भी दिख रही है चीज़ें, तो अच्छी लाइट्स हैं और इसमें एक येलो लाइट भी आती है, दो लाइट्स हैं फॉग लाइट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो वाइट लाइट भी है, येलो लाइट भी है, अगर आपके मतलब फॉग वॉग कोहरा हो रहा है घना, तो यहाँ पे येलो लाइट बड़ी हेल्पफुल हो जाती है। हेल्पफुल थी भी, मैंने कोहरे में इसको जलाया था तो बहुत हेल्पफुल थी। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन कि इंजन तो मुझे पता है, देखिए सुजुकी का इंजन है और जो इंजन इसमें यूज़ हो रहा है 250cc का, मतलब लिटरली बता रहा हूँ आपका ये सेम इंजन आपका जिक्सर 250 में यूज़ होता है, जो आपकी स्पोर्ट्स वाली आती है SF, और ये आपकी SX है एडवेंचर, इसमें यूज़ हो रहा है, और जो नेकेड आती है सिर्फ जिक्सर 250 उसमें भी यूज़ हो रहा है। ओल्ड स्कूल इंजन है लेकिन बहुत ही रिफाइंड है। एक बात के लिए रोकूंगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी अब याला इंजन यूज होने लग गया है। इससे पहले पैरेलल ट्विन आता था 250cc में, जो इंटरनेशनल मार्केट की V-Strom थी उसमें 250 पैरेलल ट्विन का इंजन आता था, लेकिन ये इतना ज्यादा सक्सेस हो गया इंजन, तो आप सोच सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में भी अब सेम यही बाइक आने लग गई है, सिंगल सिलेंडर। हाँ, सिंगल सिलेंडर SX वाली, और वो वाली शायद डिसकंटिन्यू कर दी है। ओके, तो इंजन की तो मतलब रिलायबिलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत मतलब वन ऑफ द, मुझे लगता है मार्केट में 250cc के कुछ एक सबसे ज़्यादा रिलायबल इंजन में से ये एक है। बट इसकी ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। मतलब अगर आप कोई जैसे मैं है ना, मैं हैवी एक बाइक चलाते हुए इस पर मैंने स्विच किया है, तो मेरी आदत है पंच चाहिए मुझे, तेज गाड़ी चलाता हूँ एकदम से मुझे पंच ब्रेकिंग चाहिए, तो पंच वाली ब्रेकिंग आपको इसमें नहीं मिलेगी अगर आपको पंच चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ही रिलैक्स करके राइड करने वाले बंदे हैं तो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं कहूँगा बहुत बेकार गाड़ी है, आप 90 क्रूज़ कर रहे हो आप इजीली ब्रेक कर लोगे, लेकिन जब पैनिक ब्रेकिंग होगी ना तो उसमें इतना अच्छा काम नहीं करती है। बाय ब्रेक लगे हुए हैं, ब्रेक कैलिपर्स इसमें, और डुअल मैंने देखा भी, डुअल चैनल ABS लगा हुआ है इसके अंदर, तो वो सारे ऑफ कर सकते हैं, पीछे वाला ABS ऑफ करने का ऑप्शन है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है इसमें। एडवेंचर एटलीस्ट ये तो होना चाहिए, मतलब इसको आप बोल सकते हो फुली एडवेंचर नहीं है, सेमी एडवेंचर आप बोल सकते हो, टूरर ज्यादा है ये मुझे लगता है, थोड़ा एडवेंचर टूरर ज्यादा है, एडवेंचर टूरर इसको बोल सकते हो आप स्टिल। तो ये था आज का व्लॉग, और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे कुंदन भाई के लिए, पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कितना टाइम निकाला उन्होंने, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर आप भी कोई ऐसा 250cc में कोई एडवेंचर टूरर बाइक लेना चाह रहे हो तो V-Strom आपके लिए सही बाइक है कि नहीं है। कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट जो अभी तक हम लोगों को पता चले कि इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बाइक बहुत ही ज़्यादा टूरिंग कैपेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और पोस्चर अच्छा है, इजी टू हैंडल है। कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स कि ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की उसको ज़रूरत है। इसके अलावा जो लाइट्स हैं, बट लाइट्स का उतना ज़्यादा होता नहीं है, आप एक्सोलरी लाइट कोई भी बाइक ले तो लगानी पड़ती है अगर आपको टूरर कर रहे हो, तो एक ब्रेकिंग का थोड़ा सा इसमें मुझे दिखा कि हाँ यहाँ पर थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कोई नेगेटिव पॉइंट जो आपको लगता हो कि इस बाइक में इंप्रूव करने की ज़रूरत है? वैसे अब ये नेगेटिव है कि नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऑफ रोड वगैरह किया इस गाड़ी को, बहुत ही मतलब भयंकर वाला ऑफ रोड भी किया, बढ़िया चली, कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल वाला सस्पेंशन, उसमें भी एकदम स्टेबल थी। इसकी जो हैंडल है ना, जो कोन सेट है ना, ये भाई कोन सेट बहुत जल्दी इसका ख़राब हो जाता है कि क्या हो जाता है। मैंने ठीक करवाया था इसको, ठीक है, ठीक करने के बाद फिर से मैंने गया ऑफ रोड, और उस ऑफ रोड राइड से वापस आने के बाद फिर से इसका कौन सेट चला गया, आपको मैं दिखाता हूँ, आवाज़ आएगी, देखिएगा ये, देखिए आई, और ये साउंड ना भाई चेंज कराने के बाद भी फिर से हो गई, मतलब एक ऑफ रोड किया फिर से हो गई। अब ये या तो हो सकता है मेरी गाड़ी में फॉल्ट है, या हो सकता है ये यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है वो वाले ठीक नहीं कर पा रहे, तो इसको मैं एक नेगेटिव कंसिडर करूँगा इस चीज़ को। ठीक है, बाकी एक बार इसका मीटर ऑन करके दिखा दीजिए कैसा था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, बाकी आप लोग देख लो, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मीटर में। और एक ड्रॉबैक और है, इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में रेंज का प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, रेंज देना चाहिए, माइलेज तो है बट रेंज नहीं है, तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, रेंज नहीं है, रेंज नहीं है। तो ये था आज का ब्लॉग, और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं बाकी सारे लोगों से पूछता हूँ जो भी ऐसे ब्लॉग बनाता हूँ, कि अगर आप ये जो बाइक है ये किसी को आप रिकमेंड करोगे या फिर किसी और ऑप्शन की तरफ जाओगे? अगर देखिए आपके पास पैसा कम है, आप बजट फ्रेंडली राइड करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा भगाने वाले में से नहीं हो, आराम से राइड करना आपको पसंद है, चिल माहौल में पिलियन के साथ कम्फर्टेबली, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अगर आपका बजट 230,000 तक का है, क्योंकि ये 230,000 तक अप्रॉक्सीमेटली मिल जाती है, क्योंकि इसमें ऑफर्स बहुत चलते रहते हैं। ओके, तो भाई ये था आज का व्लॉग, और आप लोग मुझे बताइएगा आपको सुजुकी की SX V-Strom 250 कैसी लगी, और बाकी हमारे कुंदन भाई को एक बार फिर से थैंक यू, और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हो
नहीं तो भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है, एक बार आप बता दो, केसी व्लॉग्स। तो इंस्टाग्राम हैंडल है केसी व्लॉग्स, वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई अच्छी टूरिंग बाइक लेनी है या फिर वी स्ट्रॉम में आप इंटरेस्टेड हो। तो इसी के साथ ये व्लॉग इन करता हूँ। दिस इज राम, सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम। awesome.